गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग क्लास। हेलो हेलो हेलो। यस सर, अच्छा, ये आपकी आवाज मेरे को आ गुड रही है। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, ये वापस से एक नया कुछ हो गया इस हफ्ते से। अब इवनिंग सर। बोर्ड में नहीं होगा क्लास? यार आज तो नहीं होगा, है ना? क्योंकि कल कल परसों से देखेंगे कि कैसे करना है। अभी कुछ सेटअप नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली उन्होंने कराई इसलिए कि वहां पर वो कुछ कुछ कैमरा सेटिंग वगैरह कुछ कुछ सेटअप वेटअप चेंज वेंज कर रहे हैं। देखते हैं, एक दो दिन तो यहीं से लूंगा मैं अभी क्लास। ठीक है। नहीं, मैं आज लीव पर नहीं था। मैं तो फ्राइडे सैटरडे को तो लीव पर था। आज थोड़ा लीव पर ये हूँ। चेंजेस क्या क्या हो गया बेटा? ये चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं? चेंजेस ये हो गए ना यार कि वो दो में डिवाइड कर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन। नीरज राज तो कह रहा है ये वाला बेस्ट है। अभी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑनलाइन में ये क्लियर है कि ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स तो आएंगे नहीं, है ना? तो जिसको बोर्ड का है और वो है तो वो तो ऑफलाइन जाकर के पढ़ ले। और बाकी वैसे ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं इसी पर पढ़ाऊंगा, बट अभी एक बार तो मुझे इसी पर स्टार्ट करना पड़ेगा एंड आगे देखेंगे कि कैसे क्या चलता है। ठीक है ना? तो ये तो सबसे पहले तो भाई ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, यस सर, और ये वैसे भी आपका इस वाले मोड पे 12th क्लास को पढ़ने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 12th को यहाँ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि हम सर्किट्स पर हैं। हाँ, जब हम मैनेटिज्म पर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा वो आता है एक चीज। बेटा अभी डिस्कशन वगैरह सब होल्ड पे रखें एक बार के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे फ्रिक्वेंसी 5 की करनी थी। ठीक है, बट ये तो और रायता फैल गया। अभी फ्रिक्वेंसी इन्होंने 4 की कर दी है और वो भी बहुत हेक्टिक हो रखा है अभी, क्योंकि हर बैच के अंदर मेरे पास तो ऐसे 3 बैच हैं, तो मेरे तो एक एक बैच के दो टुकड़े हो गए। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि ये हुआ क्यों है। कोई वही सर, इससे फायदा क्या है? तो मुझे भी नहीं पता। तो आप लोगों ने, ये तो हमें तो ही सुनने में आ रहा है कि बच्चों ने मेल डाला है कि ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन वाले बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे नहीं लगता है वही ऐसा। सही सही था, सही सही हो रहा था सर। ये सर ऐसा वैसे भी होता तो सही है थोड़ा था। थोड़ा। हेलो। हाँ, मैं तो अनम्यूट हो गया। हाँ, तो एक्चुअली मैं, खैर कोई बात नहीं, अब ठीक है जो है, वैसे तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, कोई अनम्यूट अगर होना चाहे तो हो सकता है। बाकी ये जो चीज हम तक कन्वे हुई है वो ये है कि भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को फिर ऑफलाइन में ध्यान नहीं देते हैं तो अलग अलग चलाएंगे। ना तो इसलिए अब ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग चलता रहेगा, अपने हो गया प्रॉब्लम। ठीक है ना भाई? अब PA1 तो जो है, PA1 वालों के तो अभी मैंने सुना है पीसी फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर भी, बेटा तुम लोगों ने वापस से वो कर लिया अपने चेंज हैं PA1। ठीक है, चलो ओके, चलो एनीवेज कोई नहीं। खैर हम तो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते हुए चलेंगे। अरे वो अब छोड़ो, लंबी कहानी है, अभी तो अपन तो पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसे हम पढ़ते थे, ये अब ऑब्वियसली इस बैच से PA1 वाले भी तो बैठे होंगे अब, क्यों है कि नहीं? मैं इसमें PA1 PA2 दोनों बैठे हैं ना? हाँ, बस ठीक है। तो कोई बात नहीं, PA1 से मेरा इंटरेक्शन हो चुका है, PA1 से मेरा इंटरेक्शन हो चुका है, कोई बात नहीं। ये भी मोड इक्वली गुड है, टैब वाला मोड बहुत ही अच्छा मोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और काफी हद तक हम इससे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट चीज जो हमने पढ़ी है, लास्ट हम लोग से कैपेसिटर पढ़ रहे थे, जहां तक मुझे याद है कैपेसिटर चालू हो चुका था। देखो मुझे कोई लास्ट पेज का स्क्रीन वो लेगा क्या, फोटो भेजेगा क्या? मुझे तो देखो एक और बात क्लियर कर दूं मैं कि दो गाड़ी में सवार मत होना। या तो ऑफलाइन अटेंड करना है, ऑनलाइन अटेंड करना है। ये नहीं कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं ऑनलाइन भी कर रहे हैं,
तो सिर्फ कंफ्यूज हो गए। हाँ लास्ट थी, देन डेल्टा वी इज 50 वोल्ट। ठीक है ओके। और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्लेट्स पे चार्ज दे रखा है बिल्कुल ठीक है। तो बस यहाँ से हम चालू करते हैं आगे पढ़ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। ओके सो वी वर गोइंग थ्रू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ठीक है अब तक आपको स्क्रीन ये ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। चलो ठीक है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते हुए चलेंगे हम। और कोई ऑप्शन फिलहाल है नहीं। एंड लेट्स सी, अगर भाई देखो मैंने तो ये बोला है कि या तो फिर ऑफिस में स्मार्ट बोर्ड अरेंज करो, या तो ऑफिस में स्मार्ट बोर्ड अरेंज कर दो, ठीक है ना भाई? या तो हमारे स्मार्ट बोर्ड का अरेंजमेंट हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है भाई। अगर ऑनलाइन पढ़ना ही है तो वो हो जाएगा तो ठीक है। अभी लास्ट वाली क्लास कौन सी थी आपकी? लास्ट क्लास कौन सी हुई थी? लास्ट क्लास कौन सी थी? अच्छा थी नहीं क्या? सिर्फ फिजिक्स ही है क्या? ठीक है चलो। यार पता नहीं अभी तो स्टूडियो वाले तो बुक चल रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है फिलहाल तो हम यहां से पढ़ते हैं। एक मिनट, टैब करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स के अंदर टैब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई? तो हम तो अभी फिलहाल तो यहाँ से शुरू करते हैं, पर बाकी जब जो होगा उसको आगे देखते हुए चलेंगे। तो अच्छे से जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते हुए चलेंगे, बाकी तो टाइम वेस्ट किसी को करना होता अलग बात है। चलो जिसको बोर्ड का ज्यादा वो हो वो अपने ऑफलाइन में जाकर के अटेंड करे। JP02 PA1 क्या डेट है आज? September 6, ठीक है। और बाकी बोर्ड का अपन देख लेंगे, एक दो दिन में कुछ अगर ढंग से होगा तो कर लेंगे अरेंज। चलो बेटा किसी ने लास्ट क्लास नहीं करी हो तो वो मेरी क्लास में तो मैं अलाउ करता ही नहीं वैसे लोगों को जो बिना पढ़े आ जाए। ठीक है बिल्कुल। वीडियो को स्पॉटलाइट कर देते हैं हम, वीडियो को स्पॉटलाइट कर देते हैं। चल हो गया ना स्पॉटलाइट। चलो अभी तो देखना है, ऑफिस से भी बीच में कॉल आए। ओके ऑल फाइन, ऑडियो क्लियर वीडियो क्लियर, स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है चलो। सो लेट अस कंटिन्यू विद कैपेसिटर कंटिन्यू। चल ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, कैपेसिटेंस तो बहुत इजीली हम इस पर पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा स्पीड से भी पढ़ पाएंगे। चलो सो काम वाम तो आपका पुराना ही, अभी तो नया काम कुछ भी नहीं मिलेगा। कैपेसिटेंस तो कोई नया काम नहीं मिलने वाला है। तो लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो हमने शुरू किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। वी वर गोइंग थ्रू पैरेलल प्लेट। ठीक है हाँ तो अच्छी बात है ना यार, क्या दिक्कत है? ये तो बात हुई, सब रेजोनेंस के टीचर्स हैं यार, अच्छी बात है ना। हाँ तो ऑफलाइन बेटा ऑफलाइन इसीलिए तो, पर मेरे पास देखो सही बात ये है कि मेरे पास तो भयंकर लोड हो गया है, इसीलिए ऑफलाइन बैच जो है वो ट्रांसफर करा गया है। हाँ इसीलिए ऑफलाइन बैच को ट्रांसफर करा गया है, क्योंकि मेरे पास तो स्कोप ही नहीं है कि मैं एक और बैच ऑफलाइन ले सकूं, समझ रहे हो? हाँ मेरे पास JP01 भी है, JP02 भी है, ठीक है। और ऑफलाइन में मेरे ख्याल से सर ने, हमारी बात हो गई थी तो सर ने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से चालू करा है। बस ठीक है चलो ओके सो लेट अस स्टार्ट पे। और बाकी तो ठीक है, जो हम फायदे उठाते हैं ऑनलाइन के वो हम उठाते हुए चले। ऑनलाइन में जो भी चीजें हम पढ़ते थे वीडियोस के थ्रू और उसके थ्रू वो सब चीजें हम देखते हुए चलेंगे। बस जैसे कि उस दिन याद हो तो मैं आपको बता रहा था डीप डिफिब्रिलेटर के
के बारे में। ये देखो जरा, अब ये देखो, ये एक डिफिब्रिलेटर होता है, ये चीज, इसे डिफिब्रिलेटर। ओके, ये दो प्लेट्स हैं इसके अंदर, दिख रही है दो प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स क्या होती हैं? चार्ज होती हैं। जब ये चार्ज होती हैं तो इनको यूज करके हम क्या कराते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं। ये देखो, तो करंट फ्लो नहीं करता है, वो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी। हाँ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब फ्लो करती है तो उस हार्ट को क्या मिलती है? पंपिंग रेट मिलती है। बिल्कुल ठीक है ना भाई, ये चीज थी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको जनरल कैपेसिटर्स दिखाऊं, ये देखो जनरल कैपेसिटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जी मैंने आपको काफी कुछ बातें बताई थी। अबे वो तो रखे हुए थे पैरेलल ही रखे। ये देखो मैक्सिमम शेप्स देखो कैसी हैं, मैक्सिमम शेप्स देखो कैसी हैं कैपेसिटर्स की, सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं, जो आप सर्किट्स में यूज करते हैं, जो आप सर्किट्स में यूज करते हैं सब कैसे होते हैं? मोस्टली सिलेंड्रिकल होते हैं। आपके पंखे वगैरह में ऐसे ही लगे हुए हैं ये सब, गॉट इट? चलो ये लो भाई। सो पैरेलल कैपेसिटर की अगर हम बात करें बेटा, वो तो ऑलरेडी चार्ज प्लेट्स पड़ी हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो हम सर्किट में लगाते हैं पैरेलल प्लेट्स पे। चलो, तो क्या दिखता है? हमने क्या चीज नोट की थी उस दिन कि भाई ये आपके पास दो प्लेट्स ले लें, ये दो प्लेट्स, ठीक है, और हमें क्या दिखा था डायग्राम में कि अंदर की तरफ एक चार्ज आ रखा है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज आ रखा है माइनस क्यू, और ये आपने दिखा रखी है इसकी अर्थिंग। ठीक है, यहां तक कि हमने बातें कर ली थी, ये आपने अर्थिंग दिखा रखी है, पोटेंशियल हो गया जीरो, ये दूरी डी हो गई, एरिया आपने ए मान रखा है। तो लास्ट चीज जो मुझे भेजी गई है ग्रुप पे फोटो के हिसाब से, वो है कि भाई डेल्टा वी आप कर चुके हो, चार्ज एंड कैपेसिटेंस आप कर चुके हो, नेट चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आ गया था, ठीक है भाई, डेल्टा वी सी, ठीक है चलो ओके। ये सारी चीजें यहाँ निकाल चुके थे, ई की वैल्यू आ गई थी आपके पास, ई नेट कितना आया था? ई नेट की वैल्यू आई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। चलो पोटेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब जरा देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे जाते हैं, देखना जरा। हाँ बेटा, बेटा आनंद वो मैं डिसाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, ये जो ये वन वाले जो नए आकर के मिले गुले हैं यहाँ पर, बेटा ऑनलाइन रूल्स मेरी क्लास की रूल्स मैं बनाता हूँ, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही चलना पड़ता है। हाँ, तो अगर मुझे रिपीट करना है तो मैं रिपीट करूंगा, सिंपल बात, ठीक है। तो मुझे इस बारे में इंस्ट्रक्शंस ना दें, क्योंकि ठीक है मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा, अब जरा देखो, अब मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है, देखो इसमें अलग अलग क्वेश्चन और क्या आते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, नया शुरू कर देते हैं हम। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बताओ कितना है? चलो, अच्छा एक और चीज, यहाँ चार्ज कितना हो चुका है? आउटर पे चार्ज क्या है? जीरो जीरो। अच्छा एक बात और बताओ, स्विच को ओपन रखूं या क्लोज रखूं, अब कोई फर्क पड़ता है क्या? ये स्विच अगर यहाँ लगा हुआ है, इस स्विच चाहे ओपन हो या क्लोज हो, ओपन और क्लोज वो अरेंजमेंट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बस खत्म। तो स्विच क्लोज्ड वंस, क्लोज्ड वंस, एंड इवन इफ लेटर ऑन ओपन्स तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना भाई? एक बार क्लोज कर दिया उसका, उसको खोल भी दिया, अब अरेंजमेंट पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल। चलो भाई, तो क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, अभी फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कैसे निकालें, जल्दी बोलो आंसर।
जो दो तीन लोग होशियार बन रहे हैं, क्या करेंगे भी पोस्ट इन द प्लेस, किसी भी एक के कारण फील्ड कितना है। हाँ भाई, ये चार्ज, ये प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये प्लस क्यू, ड्यू टू वन। और एक प्लेट का फील्ड कितना आएगा, एक प्लेट का फील्ड कितना आएगा, क्यू बाई टू ए। तो ये बनेगा आपके पास क्यू इंटू क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आंसर बन गया ये, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। क्या देखो जरा, और कैसा फोर्स आ रहा है ये, देखो फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव फोर्स कैसा है ये, अट्रैक्टिव। ये एफ टू वन, ये एफ वन टू। नहीं, मैं तो बहुत खुशी खुशी ऑफलाइन लेना चाह रहा था, जो चल रहा था सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। बट अब अगर चीजें डिफरेंट होंगी तो क्या कर सकते हैं, है ना। अब वो पता नहीं क्या है चक्कर, ठीक है एनीवेज, कोई बात नहीं, जो है कोई बात नहीं। जिसको भाई ऑफलाइन का ऑप्शन तो खुला हुई है ना बच्चों के पास, बस तो वहां जाकर के अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो सेकंड डी ए नोट। बेटा एक फीट ड्यू टू प्लेट वन फील्ड कितना है, किसी भी एक प्लेट का फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन होता है ना बेटा। फील्ड ड्यू टू वन प्लेट क्या आएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, भूल गए क्या, इसलिए आप पूरा कराया तो था। ये चार सरफेसेस लेंगे हम, क्या लेते हैं हम, चार सरफेसेस लेते हैं। ये क्या है, सरफेस वन, सरफेस टू, सरफेस थ्री, सरफेस फोर। तो ईवन से मतलब क्या है, ईवन से मतलब क्या है, फील्ड ड्यू टू सरफेस, ये प्लेट वन के कारण, ड्यू टू फोर्स ऑन टू, ड्यू टू ये क्या है, प्लेट, फील्ड ऑफ प्लेट वन, बस ये क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट वन। ठीक है, अर्चित धाकर, क्या चीज है ये जो आपने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट वन। ओके, एंड फोर्स कैसा आ रहा है, ये अट्रैक्टिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। अच्छा नेक्स्ट, एक और चीज पर ध्यान दो जरा, देखो ये देखो, एक और पॉइंट इसमें पूछा जाता है आपसे। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, याद आ रहा है, प्रेशर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का मतलब क्या है बेटा, फोर्स बाय वन प्लेट ऑन अनदर सेम एज फोर्स बाय वन प्लेट ऑन अनदर, फोर्स बाय वन प्लेट ऑन अदर। बेटा बिटवीन द प्लेट्स का मतलब क्या, मतलब बिटवीन द प्लेट्स का मतलब ये थोड़ा ना हो कि बीच में कितना फोर्स है, बिटवीन द प्लेट्स का मतलब एक प्लेट दूसरे पे कितना लगा रही है। हाँ जरा देखना, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या बनेगा भाई, फोर्स अपॉन एरिया। देखो जरा क्या टर्म आ रही है, फोर्स अपॉन एरिया करा क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नेट का स्क्वायर। ध्यान आई बात, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नेट का स्क्वायर। हेलो, दिख रहा है, ये स्क्रीन शॉट वन ले ओके। चलो, और बहुत सिंपल बात है, अपने आप को किसी कंस्ट्रेंट में मत पालो कि बोर्ड होगा तो ही समझ में आएगा, क्यू स्क्वायर बाय एरिया, एफ बाय ए, सॉरी ए स्क्वायर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे ए स्क्वायर आएगा। थैंक यू बेटा,
फ्रैक्शन के लिए नीचे आएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए स्क्वायर। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। हाँ हाँ ए स्क्वायर आएगा तभी तो कन्वर्ट होगा, तभी तो कन्वर्ट होगा। चलो अपने आओ, किसी उसमें मत पालो। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे दिया अब इंस्टीट्यूट ने आपको। जिनको ऑफलाइन पढ़ना हो वो आ जाएं क्लासेस के लिए, और बाकी जिनको ऑनलाइन में है वो यहाँ पर अपने अटेंड करते रहें अच्छे से बस। ठीक है चलो बेटा, चार डेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ना है, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का आता है, नॉट चार्ज डेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। वेट करो, तो डीयू बाय डीवी बेटा एनर्जी डेंसिटी होती थी कंडक्टर्स में, याद है बात करी थी, और मैंने कहा भी था कि ये वाली चीजें हम कैपेसिटर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़े आगे, तो मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि अपने आप को किसी कंस्ट्रेंट में मत पालना। देखो JP02PA2 तो शुरू से पढ़ रहा है इसलिए उसको तो वो है नहीं, कि जो नए वाले आए हैं इट्स बेटर कि अपने आप को जो है उसके लिए अडेप्ट करें और उसके हिसाब से अपना पढ़ना चालू करें बस। मुश्किल है बेटा निशांत तुम्हारे लिए। पॉइंट इट्स बेटर कि कोई दिक्कत अगर है तो उसे यहां कन्वे करें। ठीक है चलो बस, तो फिर आर के भी आ रहा है, हम भी टाइप पे पढ़ते थे बस, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है चलो बेटा कन्वर्ट कर लो ना ई नेट की वैल्यू डाल के। अरे ई नेट की वैल्यू डाल के चेक कर ले भाई, ई नेट की वैल्यू डाल के चेक कर लो बेटा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट वैल्यू डाल के चेक कर ले भाई, दिख जाएगा तेरे को आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखें जरा, ये देखो इस पे नेक्स्ट क्या हमसे पूछा जाता है। मान लो अब सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ये देखो जरा। अच्छा कैपेसिटेंस कितना होता है इसका, कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस कितना होता है इस कैपेसिटर का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू थी आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो हमने सब देख लिया था, किस पर डिपेंड करता है ये, किस पर डिपेंड कर रहा है ये सिर्फ, मटेरियल पे और उसकी ज्योमेट्री पर, मटेरियल एंड ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। चलो अब जरा देखें, एंड ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में, पोटेंशियल कितना आएगा इनके बीच का, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर जो आएगा वीसी अगर मैं बोलूं तो, पोटेंशियल कैपेसिटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास ईडी, यानी कि वो वैल्यू आपके पास आएगी क्यू डी बाई एप्सिलॉन। ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है ना भाई, क्यू डी बाई एप्सिलॉन, ये सारा कुछ हम अब इसका यूज देखें जरा एक आध दो और जगह। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या करता है देखो, इस थर्ड पार्ट में इसने क्वेश्चन दिया है, अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं इसको। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं दो प्लेट्स लेकर के आया, ठीक है दीज आर टू प्लेट्स, इनके बीच का सेपरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, सेपरेशन जो है इनके बीच का वो ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, ऑब्वियसली वो इनर सरफेस पे आपको चार्ज दे रखा है। ये ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये इस तरह को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और दो प्लेट्स को बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है पास में ला करके। ठीक है क्या, पहली बात तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा क्या, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा या ऐसा ही रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा या ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा बस खत्म। ठीक है ना भी, यहाँ पर भी जीरो चार्ज, यहाँ पर जीरो चार्ज, इनर पे प्लस क्यू माइनस क्यू चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो मुझको जब दोनों प्लेट्स को बहुत पास ला के रखा, एक तरह से ये जो हम प्लेट्स लाए कहां से लाए, इन्फिनिटी से लेकर के आ गए, एक तरह से हमने क्या करा कि भी दो प्लेटें थी, हाँ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कंडक्शन, बेटा हाँ टच नहीं हो रही ना, अरेंजमेंट आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है तो इसको सोचने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि भी ये प्लस क्यू भी कहीं से आया, माइनस क्यू भी कहीं से आया, इनके बीच की दूरी अगर जीरो है, इनके बीच की दूरी अगर जीरो है, तो क्या मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकता हूं क्या,
क्या मैं इस सिस्टम की पोटेंशियलिटी जीरो मान सकता हूँ क्या, सोच के देखो। और इमेजिन करो ना यार, जितना काम प्लस क्यू को लाने में लगा उतना ही काम माइनस क्यू को लाने में लगा होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल कहां है, सेम पोजीशन पर, दोनों बिल्कुल कहां है, सेम पोजीशन पर, दे बोथ आर एट सेम पोजीशन। तो इनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो पीडी भी तो जीरो है, इनके बीच का डेल्टा वी कितना आएगा, जीरो आएगा ऑलमोस्ट, दोनों कहां है बिल्कुल सेम पोजीशन पर। तो आपको तो क्या दिख रहा है कि एक तरफ प्लस क्यू एक तरफ माइनस क्यू और दोनों को बिल्कुल सेम पोजीशन पर ला करके रख दिया, तो कोई वर्क डन तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना भाई। तो इनके बीच का डेल्टा वी सी भी क्या चल रहा है इस समय, जीरो चल रहा है, क्योंकि डी भी जीरो है और ई तो रहेगा। अच्छा एक और बात बताओ, इनके बीच का जो ई है, इनके बीच का जो ई है क्या वो दूरी पर डिपेंड करता है क्या, क्या ई जो है वो दूरी पर डिपेंड करता है क्या, या पोटेंशियल दूरी पर डिपेंड करता है, क्या ई दूरी पर डिपेंड करता है क्या? हेलो, इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो दूरी पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, पर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो इस समय तो क्या दिख रहा है हमें कि डेल्टा वी सी इनिशियल इक्वल्स टू कितना है, जीरो। डेल्टा वी कैपेसिटेंस इनिशियल अगर कोई पूछे तो वो क्या चल रहा है आपके पास, जीरो चल रहा है। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, क्यों, अरे बेटा क्यों करेगा डिपेंड, E है, E ड्यू टू शीट आता है बेटा, ड्यू टू शीट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E ड्यू टू शीट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा शीट का फील्ड कहाँ दूरी पे डिपेंड करता है, शीट का फील्ड दूरी पे कहाँ डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। हाँ कैपेसिटेंस की बात करते हैं, होल्ड रखो अभी, ठीक है, हम नहीं लिख रहे थे, चलो कोई बात नहीं, जो भी लिख रहा था, चलो जीरो जीरो नहीं होगा मतलब। बेटा पोटेंशियल और यू वैसे भी रेफरेंस वैल्यूज होती है, चलो एनीवेज अब क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन Separating the plates in separating the plates by distance d, by distance d। देखो और कुछ नहीं तो चाहो तो इस वैल्यू को रेफरेंस भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको रेफरेंस मान लें कोई बात नहीं, कि भी इस स्टेज पर हमने रेफरेंस ले रखे हैं इन दोनों चीजों को। चलो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन सेपरेटिंग द प्लेट्स बाय डिस्टेंस डी। अब जरा सोच के बताओ एक्सटर्नल फोर्स कहां की तरफ लगाना पड़ेगा, हाँ भी एक्सटर्नल यहां पे वर्ड लिख लेना स्लोली, यहां वर्ड लिख लेना स्लोली, एक्सटर्नल फोर्स कहां लगाना पड़ेगा मुझको, बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्या कर रही है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्या कर रही है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, बिल्कुल। तो इनके बीच का फोर्स तो कैसा है, अट्रैक्टिव, इनके बीच का फोर्स तो कैसा है, अट्रैक्टिव है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और आउटर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, ये एक्चुअली एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है बेसिकली, कि दो प्लेट्स बहुत पास पास हैं, उनको दूर ले जाना पड़ रहा है। तो एक बात बताओ जरा मुझको, क्या मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू एफ अट्रैक्टिव विल बी जीरो, और डब्ल्यू एफ अट्रैक्टिव कौन सा फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है, ये आपके पास एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेलो बोल सकते हैं क्या हम, अरे जल्दी बोलो, स्लोली लेके जा रहे हो ना दोनों प्लेट्स को, ठीक है ना भाई। चलो तो डब्ल्यू एफ अट्रैक्टिव, अब जरा ध्यान दो, डब्ल्यू एफ, तो डब्ल्यू एफ अट्रैक्टिव निकाल लेते हैं जरा, चलो देखो भाई, तो डब्ल्यू एफ अट्रैक्टिव जो आएगा
वो कितना आएगा? वो आएगा माइनस का एफ एट्रैक्टिव, माइनस का एफ एट्रैक्टिव इनटू डिस्टेंस डी, माइनस एफ एट्रैक्टिव इनटू डिस्टेंस डी। माइनस क्यों? माइनस क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, दोनों प्लेट्स को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना। अभी फाइनल डायग्राम क्या दिख रहा है हमको? व्हाट इज द फाइनल डायग्राम? फाइनल डायग्राम क्या दिख रहा है हमको? फाइनल डायग्राम में तो मुझे ये दिख रहा है कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या आ गई है, दूरी डी आ गई है। बस चार्जेस तो वही है, ये अंदर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है ना भाई। चलो वैल्यू कितनी आ रही है वर्क डन की, ये देखो जरा कितनी वैल्यू आ रही है। अगर सॉल्व करेंगे हम तो फोर्स ऊपर आ चुका है। फोर्स कितना है? क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अनिरुद्ध कुमार कैसी बातें करते हो, अगर दोनों प्लेट्स रिपेल करती तो मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाता ना बेटा, तो मैं फोर्स अंदर लगाता हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्यों वर्क डन नेगेटिव करता है ना भाई। चलो एफ अट्रैक्टिव इनटू डी, तो क्या वैल्यू बनने वाली है आपके पास? वैल्यू बनने वाली है क्यू स्क्वायर बाय टू ए। तो ये फोर्स आया था, फोर्स कितना था? क्यू स्क्वायर बाय टू ए। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अरे हाँ के ना, अभी एक दो लेक्चर तक मेरा फोकस इसी पर है कि हम कैपेसिटर को पहले ढंग से समझते हुए चलें। सारा फोकस कैपेसिटर चैप्टर पे लगाएंगे क्योंकि नया चैप्टर है और इजी चैप्टर है, इट्स एन इजी चैप्टर। चलो नेक्स्ट देखें भाई। हाँ बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं है सर। चलो ठीक है, यहां तक डब्ल्यू एफ एट्रेक्टिव आ गया आपके पास। अच्छा डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल क्या हो गया इसका मतलब? डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई क्या आपके पास? डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई आपके पास? डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल क्या बन जाएगा? इसी का पॉजिटिव हो जाएगा इसी। अच्छा कोई भी शीट पर देखना, शीट का ऑर्डर डिफरेंट है अभी। हाँ शीट इज वर्किंग इन अ डिफरेंट ऑर्डर, तो डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल क्या आ गया? इसी का पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ जरा मुझको, एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या जुड़ी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या जुड़ी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक एनर्जी जुड़ी होती है, कौन सी होती है? इसे स्क्रीन शॉट टू ले लें, स्क्रीन शॉट टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इससे क्या जुड़ी हुई होती है? पोटेंशियल एनर्जी। एंड डब्ल्यू कंजर्वेटिव क्या होता है? डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू या माइनस डेल्टा पीई। इसका मतलब क्या है? अगर डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इंप्लाइज डेल्टा यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या है बेसिक बातें हम सबको आती नहीं आती? और मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दिया था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए, ध्यान है कि नहीं? इस चैप्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर चुका हूं इस बारे में। ठीक है चलो, अब क्या करेंगे हम? इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी जुड़ती है एसोसिएटेड। हाँ मोस्टली बेटा, मोस्टली बड़े आराम से हो जाएगा। फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज लेस देन जीरो, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? इंक्रीज हुई। तो जरा देखो ना यार, ये देखो, ये जो आपने W नेगेटिव वर्क डन करा था, ये जो आपके पास वर्क डन बाय F एट्रैक्टिव आया था वो कितना था? वो था आपके पास माइनस का Q स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट डी,
ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, विच इज बेसिकली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इसका मतलब यू फाइनल कितनी आ रही है? यू फाइनल आ रही है क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। और फाइनल अरेंजमेंट क्या है? व्हाट इज दी फाइनल अरेंजमेंट? ये फाइनल अरेंजमेंट आपके पास, दिस इज दी फाइनल अरेंजमेंट, इनके बीच की दूरी डी दिखा रखी है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यही तो है फाइनल अरेंजमेंट। जरा देखो इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या आ रही है, ये देखो डिफरेंट फॉर्म्स इस एनर्जी की। यू फाइनल ये देखो डिफरेंट फॉर्म्स, ये देखो हाफ सी इंटू वी सी स्क्वायर, ध्यान दो हाफ सी इंटू वी सी स्क्वायर। क्या क्या दिख रहा है हमें फाइनल अरेंजमेंट में, ये देखो जरा, कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वी सी की वैल्यू चल रही है ई नॉट, ई नेट क्या चल रहा है? ई नेट ऑलरेडी चल रहा है, ई नेट जो चल रहा है वो चल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और वी सी जो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर निकाल लें, डेल्टा भी निकाल लें। हाँ बेटा, यू इनिशियल तो जीरो है ना, मान तो रखा है हमने, यू इनिशियल जीरो मान तो रखा है, जब बहुत पास थे उसको रेफरेंस मान रखा है जीरो, अभी दूर लेके जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती आ रही है? बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। ठीक है, ये जब हम इस, ये सपोज मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को ऊपर लेके जाते हो तो ग्रेविटी का वर्क कैसा हो रहा है? इस बॉक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। तो वो कैसा वर्क कर रहा है? जब ये बॉक्स ऊपर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? नेगेटिव। तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? बढ़ती नहीं बढ़ती है, बस वही चीज यहां पर हो रही है। ठीक है ना भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू कंजर्वेटिव डेल्टा यू, डब्ल्यू कंजर्वेटिव नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एप्सिलॉन नॉट ई नेट, पोटेंशियल जो आएगा वी सी की वैल्यू जाएगी, पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल आएगा इनके बीच का क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो जरा देखो ना इसकी फॉर्म, ये देखो इसकी फॉर्म क्या आ रही है, आंसर आ रहा है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। चेक करो ये वैल्यू आ रही है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। हाँ बेटा अपने आप हो जाएगा ना, बट हमें ये भी तो अरेंजमेंट चाहिए ना कि उस सर्किट के बीच में लग जाए, ये भी तो हमें देखना है ना चीज। चलो ये देखो इसकी फॉर्म आ रही है हाफ सी वी स्क्वायर, लिख रही है, कंपेयर करके देख लो फॉर्म्स को, हाफ सी वी सी लिख लो भले, कोई बात नहीं, हाफ सी वी सी लिख लो भाई। वी सी से क्या मतलब होता है? वी सी से क्या मतलब होता है? पिछले हमने बताया ना आपको सारी चीजें कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है, डेल्टा वी सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इस वीसी वर्ड से क्या मतलब होता है? वीसी से मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ध्यान है कि नहीं? अरे लास्ट क्वेश्चन भी यही था, वीसी से मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऐसे तो डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को। क्या हो गया बेटा? यार देखो जब भी कोई चीज आप देखते हो ना फॉर्मूला, तो आप हमेशा उसमें कोई ना कोई बाकी चीजें कांस्टेंट है, ये पे तो ध्यान देंगे ना हम एक सिंगल। अगर मैं बात करता हूं फॉर सेम चार्ज तो ये चीज ठीक है, हमेशा आप क्या करेंगे जब कोई फॉर्मूला आप यूज करते हो, प्रोपोर्शनिटी अगर आप देखते हैं बेटा हम एक सिंगल, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट भी तो रखोगे ना, वो तो दिख ही रहा ना, जितना दूर लेते जाओगे, जितना दूर लेते जाओगे क्या वर्क डन, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ नहीं रही है सिस्टम की, कि जितना इतना मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती नहीं जा रही इसकी? क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ती जा रही है क्या? फिर कॉमन सेंस से बात करो ना बेटा, खुद ही कोई कॉन्ट्रेडिक्ट करते हो, खुद ही को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाँ चलो नेक्स्ट हम बात करें, ई नेट आ गया, अच्छा इसकी एक और फॉर्म देखो, इसकी एक और फॉर्म आ रही है आपके पास, ये देखो अनदर फॉर्म जो आ रही है वो आ रही है आपके पास क्यू स्क्वायर बाय टू सी।
अनदर फॉर्म इज क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ये बन गया आपके पास स्क्रीन शॉट थ्री, स्क्रीन शॉट थ्री। ठीक है, तो ये सब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की वैल्यूज हैं। दीज आर ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बेटा देखो ना, समझो तो सही, इसे रेफरेंस क्यों मान रहे हो आप, इसे रेफरेंस क्यों मान रहे हो आप, क्योंकि इफेक्टिवली प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों कहाँ हैं, एक ही जगह पर आ गए, दोनों एक ही जगह पर है ना। तो अगर मैं इन चार्जेस को कहीं दूर से लाया होता और दोनों बिल्कुल सेम जगह पे ले आया, तो एक को लाने में पॉजिटिव, एक को लाने में नेगेटिव वर्क डन, तो सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज आता नहीं, बस टोटल वर्क डन क्या आता, जीरो। तो इसलिए जो रेफरेंस पे लेते हो आप, उतनी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी मान लिया आपने। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है जना, वर्क डन एफ एक्सटर्नल। बेटा एफ एक्सटर्नल का वर्क डन तो यहां से निकाल ले यार, लोकेश बेटा एफ एक्सटर्नल प्लस एफ अट्रैक्टिव इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो हम यहां से निकाल सकते हैं ना। क्या मैं तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन दूं क्या, कुछ लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन एक बार के लिए दे रहा हूं, पर उसका गलत यूज नहीं करना, बस उसका गलत यूज नहीं करना। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। अभी तो लेटरल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वॉट इट। चलो अच्छा, इसमें एक और चीज देखो जरा, ये देखो ये आपके पास यू आ गई, देखो तो यू की वैल्यू देखो क्या आई आपके पास। देखो ये दो प्लेट्स दिख रही हैं, ये दो प्लेट्स, इन पे चार्जेस आ रहे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और आपके पास जो यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है, नहीं मैं तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू स्क्वायर डी बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जरा एक टर्म निकालना, इनका वॉल्यूम कितना है, देखो इनके बीच का वॉल्यूम कितना है, प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम ए इंटू डी। तो देखो एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, एनर्जी डेंसिटी। ये देखो जरा टर्म, एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी, यू बाय वॉल्यूम। जरा देखना कितनी आ रही है, ये आ रही है क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जरा देख लो कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कहां पढ़ा था ये सब कुछ, अरे कहां पढ़ी थी ये सारी बातें, इलेक्ट्रो में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बट तब हमें बहुत ज्यादा फील नहीं आते हो। मैंने तब भी कहा था कि ये सारी चीजें हम जब कैपेसिटर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो दिख रहा है ना यार, हाँ जैसे जैसे उन प्लेट्स को दूर लेके जा रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं इन प्लेट्स को दूर ले जा रहा हूं, सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, गॉट इट। और ऑलरेडी क्योंकि बैचेस मर्ज हैं, तो हम पूरा ध्यान रखेंगे सिर्फ कैपेसिटर वाले पोर्शन पे। चलो बिल्कुल, ये सेम किसकी इक्वल आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की इक्वल आ रहा है। अच्छा उसके अलावा जरा एक बार ध्यान दो, ये इलेक्ट्रो में देखो आपने एक चीज पढ़ी थी, ये स्फेयर दे दिया आपको, एक स्फेयर दे दिया। अरे बेटा वो ई नेट ही है, ये हर जगह पर, ये बीच का फील्ड ई बराबर ई नेट है, वो ई नेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर ई वन ई टू होगा तो मैं ई वन लिख देता हूं ना बेटा, किसी एक प्लेट का है तो हम ई वन लिख देते हैं, बाकी तो ई नेट ही है ना, वो क्या दिक्कत है। ठीक है, ई सेम एज ई नेट, ओके। अच्छा जरा याद करो, इलेक्ट्रो में आपने ध्यान है ये वाली चीज पढ़ी थी, ये आपको एक कंडक्टर दे रखा है, इस पे कोई चार्ज क्यू दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है। जरा याद करो इसकी सेल्फ एनर्जी क्या थी, याद करो इसकी सेल्फ एनर्जी क्या थी, याद आ रही है, यू सेल्फ। ये देखो क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बाय एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान है, जरा देखो इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
है इसके कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस कितना होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जरा देखना ये एनर्जी कितनी आ रही है, इस एनर्जी की फॉर्म देखो, क्या ये एनर्जी की फॉर्म आ रही है हाफ सी वी स्क्वायर, ये देखो एनर्जी की फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही, हाफ सी वी स्क्वायर। अरे जो पुराना पढ़ा होता है वो को इसलिए ढूंढना है कि वेस्टेज है, इन शॉर्ट फोर। आया बात समझ में? उस समय भी आपने यही, और तभी इसलिए मैं वहां पे कह रहा था कि जैसे कैपेसिटर में एंटर करोगे तो ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, द मोमेंट यू विल एंटर इनटू कैपेसिटर। चलो नेक्स्ट, बड़े आगे। ये तो था आपके पास कौन सा कैपेसिटर था, ये आपका चल रहा था पैरेलल प्लेट। चलो नेक्स्ट, डिफरेंट ज्योमेट्रीज में बात कर रहे हैं हम, ये देखो जरा, लेट अस टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, लेट अस टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा क्वेश्चन और दिखा देता हूँ जरा, ये लो एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये देखो जरा यहीं पे करा दूंगा, कोई बात, ये लो क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। ये देखो आपको मान लो दो प्लेट्स अरेंजमेंट दे रखे हैं, ये आपको दो प्लेट्स दे रखी हैं इस तरह से, देखो इनके जो एरिया दे रखे हैं, एक तरफ तो दे रखा है एरिया, एक दे रखा है इनके बीच का डिस्टेंस, एरिया दे दिया ए, डिस्टेंस दे दिया 2d, ये दे दिया 2a, ये दे दिया d/2, ठीक है। ये कह रहा है कैपेसिटेंस अगर इसका c है, दैट इज c1 = c, तो c2 कितना आएगा बताओ भाई, c2 कितना आएगा जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये कितना बन रहा है, ये वैल्यू बन रही है एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी एप्सिलॉन नॉट ए की जगह आएगा 2a/d/2, यानी कि ये आ रहा है 8 टाइम्स c। अरे 8 टाइम्स c आ रहा है, ध्यान दो। छोटी चीजों पे केयरफुल रहा करो, छोटी छोटी चीजों पर केयरफुल रहा करो। चलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपके पास चीज आ रहा है स्क्रीनशॉट 4। अरे समझ में आ रही है, बातें नहीं आ रही हैं, हेलो ये ना भी देखो, ऑनलाइन अलग बात थी यार, ऑनलाइन तो अलग बात थी, अरे 4c क्यों होगा बेटा, 4 टाइम्स तो इसका आ जाएगा ना, दिस विल बी 4 टाइम्स एप्सिलॉन ए बाय 2d, तो बस ठीक है ना भाई। चलो
अरे क्वेश्चन करेंगे, जरा आगे तो बढ़ने दो, दो चार चीजें अच्छी तो पढ़ो। चलिए देखो भाई, नेक्स्ट आपके पास आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सेकंड इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चल इसमें क्या करा, वो कहने के लिए इनफाइनाइट है, ये कहने के लिए इनफाइनाइट है। इसमें क्या करा, ये दो शेल्स दे दिए, ठीक है। इस पर दिखा रखा है प्लस लैम्डा, इस पर अंदर दिखा रखा है माइनस लैम्डा, और ऐसे दिखा रखी है अर्थिंग। ये दे रखा है आपको बी रेडियस, सेंटर लाइन से। अभी क्या पूछेगा वो, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस पूछेगा, वो पूछेगा सिस्टम का कैपेसिटेंस बताएं। क्या वैल्यू होती है उस बाय वी, यही होती है ठीक है, क्यू बाय वी वैल्यू होती है हमारे पास, जिसमें वी क्या चीज है, जिसमें वी क्या चीज है, वी इज डेल्टा वी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो कैसे फाइंड आउट करें भी डेल्टा वी, तो एक काम करा, पहले तो हमने इसका एक एल लेंथ का पोर्शन ले लिया, हमने इसका कोई एक एल लेंथ का पोर्शन ले लिया। फाइंड करें डेल्टा वी का तरीका बताओ, करने का तरीका बताएं कैसे करना है, डेल्टा वी कैसे फाइंड करा जाए। बिल्कुल, ई डॉट डी आर से निकाल लो, ई डॉट डी आर से निकाल लें, तो यहां आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें ई। डेल्टा वी क्या चीज है, डेल्टा वी इज बेसिकली माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं हम, ठीक है ना भाई। अच्छा मान लो, चलो ये दो पॉइंट्स भी ले लूं मैं, ये दो पॉइंट्स मैं ले लेता हूं। लेट अस सपोज कि मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, क्या मुझे बता सकते हो ऑलरेडी कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है, क्या बता सकते हैं ऑलरेडी कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है। बिल्कुल, ए किस पर होगा, हाई पर होगा, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है। बिल्कुल ठीक है ना भाई, तो आप चाहो तो मॉड डेल्टा वी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड डेल्टा वी क्या बन गया, मॉड ऑफ ई डॉट डी आर, ई इंटू डी आर, बस खत्म। क्यों, मैं ऑलरेडी पता तो पड़ ही रहा ना कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल है। तो वी ए ग्रेटर देन वी बी का मतलब क्या हुआ, कि वी ए बी लिखोगे तो पॉजिटिव आएगा, एंड अगर वी बी ए फाइंड करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यही तो मतलब हुआ इस चीज का। चलो तो ई डॉट डी आर, तो ई हाँ भी जरा लिखें, ई कितना आएगा, इस पॉइंट पर ई नेट कितना बनेगा। हाँ भी इस पॉइंट पे ई जो आएगा किसके कारण आएगा वो, या ध्यान दो जरा, ये दो शेल्स हमारे पास, दो सिलेंडर्स, तो अंदर वाले करना आएगा, बाहर वाले करना आएगा, हाफ टेकिंग एज इनफाइनाइट रॉड। तो बाहर वाले शेल का तो क्या हो जाएगा अपने अंदर, बाहर वाले शेल के कारण क्या होता है अपने अंदर, ड्यू टू आउटर शेल क्या आता है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर शेल के कारण क्या आता है, जीरो आता है। तो सिर्फ किसका बचेगा, अंदर वाले का, कितना बचेगा, बचेगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे ये सब इलेक्ट्रो में करा हुआ है हमने, इनटू डी आर, और लिमिट कहां से कहां कर दें, ए टू बी, लिमिट लग गई है टू बी, तो क्या आंसर बन गया, अभी आंसर बन जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के एल बाई आर, जैसे के लैम्डा बाई आर होता है, के लैम्डा बाई आर, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल एन ऑफ बी बाई ए।
बेटा एल एन बी माइनस ए नहीं आएगा, एल एन बी बाई ए आएगा। जिसको कि आप एल एन बी माइनस एल एन ए लिख सकते हो, बन जाएगा। और आप चाहो तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आप लिख सकते हो क्यू बाई एल इंटू 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ऑफ बी बाई ए। तो जरा देखो ना कैपेसिटेंस कितना है, इस फॉर्मूले के आपसे कैपेसिटेंस कितना है जरा देखना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, हाँ भाई कैपेसिटेंस कितना आ रहा है जरा देखो। क्यू बाई वी की फॉर्म देखो जरा, ये वी आया है आपके पास, तो क्यू बाई वी जब करोगे तो क्या फॉर्म बचेगी, ये बचेगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन ऑफ बी बाई ए। ठीक है, आसान चीज है, कोई मुश्किल काम थोड़ा ना, ये आसान आसान है। और अभी तो एक बार सर्किट्स पर आ जाएंगे, अभी हम नेक्स्ट क्लास में तो हम पूरे सर्किट्स की बातें करेंगे, तो करंट को रिवाइज कर लो एक बार। स्क्रीनशॉट 5। सो कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन डी वाई ए। अच्छा बेटा के क्यूब आर नहीं है, वो के लैम्डा बाई आर है ई की वैल्यू। बेटा डिस्कशन के लिए वेट करें, पहले कैपेसिटर के होल्ड बनाएंगे। ठीक है, डिस्कशन में एक्सरसाइज थी तो है, और तो कुछ है नहीं ना, वो सब हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी थी, बट अब ऑप्शन नहीं है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, तो वेट करो अभी। अभी कैपेसिटर पढ़ते रहो, एक दो लेक्चर तक कोई होमवर्क नहीं है, जो काम है उसको करें। लैम्डा कैसे आया बेटा, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ ना बेटा। कोई बात नहीं बेटा, PA1 का एक्सरसाइज 2 नहीं हुआ था अभी, उसके लिए अब हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, सारी चीजें सेटल हुई हैं, जो चल रहा है फिलहाल उस पर ध्यान दें, जो चल रहा है फिलहाल उस पर ध्यान दें। हाँ माइक तो मैंने अभी भी ऑन करवा रखा है बेटा, करवा दूंगा अब तो मैं। ठीक है चलो बेटा, लोकेश ये नहीं समझा सकता, ये इलेक्ट्रो का पार्ट है, ये इलेक्ट्रो का पार्ट है बेटा। हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है ना बस। अगर आप ये पूछोगे कि भाई सर ये के लैम्डा बाई आर कैसे आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सॉरी भाई इलेक्ट्रो में पढ़ाया गया सारा कुछ, इलेक्ट्रो में पूरा तो पढ़ाया बेटा आपको, एक सिलेंडर आउटर सिलेंडर दोनों के कारण बीच में फील्ड कितना आता है। इलेक्ट्रो जरा नोट्स देखो, सब समझ में आ जाएगा। चलो बेटा मॉड्यूलस देखने से फायदा ही है ना। अच्छा आपकी क्लास में और किस तरह से था बेटा, चलो क्लास में किसी भी तरह से हो, ये दो सिलेंडर्स अगर हैं तो इनके बीच का फील्ड जो है, आपको शीट शीट में देखा आपने कभी, अर्चित अर्चित धाकड़ आपने शीट खोल के देखा फॉर्मूला ई का, अर्चित धाकड़ तो क्या ये ई का फॉर्मूला किसी और तरह से बताया है, तो अच्छा 2 के लैम्डा बाई आर आएगा ना। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, हाँ इनफाइनाइट ले लेंगे तो 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। इनफाइनाइट की बात करोगे, इनफाइनाइट के लिए करेंगे हम तो 2 आएगा, हाँ सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 के लैम्डा बाई आर, हाँ ये 2 आएगा बस और कुछ नहीं, ये 2 आ जाएगा। हाँ 2 आएगा, 2 हाँ ये 2 आएगा, नो डाउट, हाँ बिल्कुल 2 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आएगा लैम्डा बाय 2 पाई, ठीक है ना भाई, तो ये आएगा लैम्डा बाय 2 पाई, हाँ 2 का फैक्टर आएगा बिल्कुल, 4 नहीं आएगा 2 आएगा बिल्कुल। ये आएगा क्यू बाई एल इंटू 2 पाई, और ये बन जाएगा आपका सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। ये ठीक है, ये ठीक बिल्कुल।
भाई गॉस लॉ से निकालोगे ना आप, तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल, ठीक है बिल्कुल, लेमडा बाय 2 पाई आता है, बिल्कुल 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 ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रो का पार्ट है, ये यहाँ डिराइव नहीं होगा, ये हमने सिर्फ इतना सा करा है कि एक सिलेंडर के कारण जब आप फील्ड लिखते हैं तो इसको इलेक्ट्रो में रिवाइज करें प्लीज। हाँ तो इलेक्ट्रो में सारा पढ़ाया गया है बेटा। इस पर रोना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। के लैम्डा बाय आर कैसे आया, 2 के लैम्डा बाय आर बेटा, 2 के लैम्डा बाय, हॉलो वाला नहीं बताया बेटा लोकेश, तो हॉलो तो और भी आसान है ना। एक मिनट कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता हो तो इलेक्ट्रो की शीट खोलना और उसमें पढ़ लेना, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रो शीट में पूरा समझाया है ठीक है, ठीक है ना भाई। हाँ तो इलेक्ट्रो शीट में देख लेना एक बार, खत्म बात। हाँ हमने तो क्या है भाई, ऑब्वियसली जब कराया तो बेटा एक बात बताओ, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो उसकी भुगतान शीट खोल के देखो ना इलेक्ट्रो की, जिन बच्चों को आता है उसके लिए थोड़ा ना अपन बैच को रोकेंगे, जिन बच्चों को आता है उसके लिए थोड़ा ना बैच को रोका जाएगा, ठीक है ना भाई। हाँ चलो अच्छा, इसमें क्या होने वाला है अब, अच्छा बेटा VA ग्रेटर देन VB कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी बेटा लक्ष्य, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी, प्लस से माइनस, जब प्लस से माइनस जाएंगी बेटा कहीं से भी कर, नहीं, हमने सिंगल नहीं, अंदर वाले की अर्थिंग करेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है वो, अंदर वाले की अर्थिंग करने पर डिफरेंट क्वेश्चन, अभी वेट करो, हमें सराउंडिंग का फील्ड जीरो करना है। हाँ अमित सिंघल आप जो कह रहे हैं वो भी एक अच्छी चीज है, बट अभी नहीं कर रहे हैं हम। हाँ वो मैं पहले स्क्वायर में पढ़ाऊंगा आपको, अभी वेट करो उसके लिए, अंदर की अर्थिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है बिल्कुल चैप्टर के एंड में आएगी वो चीज, वो भी जरूरत पड़ी तो, बाकी उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलो तो यहां से देखो अब आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, देखो जरा यहां से स्क्रीन शॉट 5 इसको ले लो, स्क्रीन शॉट 5 बेटा, इसीलिए तो ये तो दिक्कत होती है कि अपने बैच को छोड़ करके और बीच में बैच चेंज करने पे, हाँ क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो हमें तो पता है, हमने हमने तो शीट से कोई चीज छोड़ी नहीं है, PA2 में कोई भी चीज जो शीट के अंदर है उसको नहीं छोड़ा गया है, एक एक चीज को पढ़ाया गया है, तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना तो पहले, मतलब जब सर ने छोड़ा था तो फिर बस, तो फिर क्या दिक्कत है अमित सिंगल। हाँ कोई बात नहीं यार, अब समझ नहीं पढ़ाया तो ठीक है देख लेना। हाँ बेटा मैंने तो कलर कोड भी पढ़ाया है, क्यों भी PA2 चलो चैट को ओपन कर रहा हूँ। हाँ अभी PA2 हमने कलर कोड पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, मैंने चैट को एवरीवन कराया, एनसीईआरटी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कलर कोडिंग, फिर यार बेटा ऐसे थोड़ा होता है, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल आता है कलर कोडिंग का, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा दूं छोटी चीजें छोड़ दूंगा तो क्या फायदा होगा, ठीक है ना भाई बिल्कुल, ट्रिक भी बताई है। चलो यार छोड़ो ना यार, हम आगे पढ़ें बेटा, मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया को छोड़ के, हाँ बीबी रॉय करके ट्रिक होती है, हम तो जो आगे की बातें उस पर ध्यान दें, ठीक है चलो ओके। अब जरा देखो अच्छा इस पे क्या होता है, अरे क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया को छोड़ देते हैं और आगे पढ़ने पर ध्यान देते हैं। हाँ बिल्कुल, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। चलो तो यहाँ पर आप क्या टर्म डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास
पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन ऑफ बी बाई ए। अच्छा अब देखो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है यहाँ पर एक, कि अगर हम बी को बढ़ाते हैं, बी इंक्रीजेस, बी को बढ़ाने पर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ। चलो बी को बढ़ाने पर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, जल्दी बताओ। चलो बी बढ़ाने पर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, जल्दी बताओ। बिल्कुल बी बढ़ेगा तो एल एन ऑफ बी बाई ए क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इंप्लाइज कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ ए को बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल ए बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा। चलो नेक्स्ट आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसा है, ये दो शेल्स दे दिए आपको, ठीक तो टर्म लिखी है ऐसी, परिणाम क्यों किया, मतलब क्या होता है, एक टर्म है बस, क्योंकि 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 हमने एक तरह से ये कैपेसिटर कैसा माना है, इनफाइनाइट माना ना बेटा, हमने कैपेसिटर कैसा माना है, इनफाइनाइट। बट क्या वास्तव में कैपेसिटर इनफाइनाइट हो सकता है क्या, क्या वास्तव में वो कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं क्या, देखो जरा क्या वास्तव में इनफाइनाइट है क्या, फिर तो इसीलिए हम इनके लिए कैपेसिटेंस परिमिट लेंथ डिफाइन करते हैं। चलो ये देखो अब जरा क्या करना है, ये देखो अगेन देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्योंकि बेटा वास्तव में इनफाइनाइट होते नहीं ना, और मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी कि इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, ये देख मेरा हाथ, ये देख मेरा हाथ, अब क्या है तेरे लिए, इन्फाइनाइट, ठीक है ना भाई, तो रिलेटिव होता है हमेशा। चलो नेक्स्ट स्फेरिकल पे बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया, और आउटर पे चार्ज क्या है भाई, आउटर पे चार्ज कितना है, आउटर पे चार्ज क्या रहेगा, जीरो। चलो ये पॉइंट ले लिया हमने ए और बी पॉइंट्स, लेट दिस बी ए पॉइंट, लेट दिस बी बी पॉइंट, तो पोटेंशियल एट बी कितना चल रहा है, जल्दी बताओ पोटेंशियल एट बी कितना है, अरे पोटेंशियल एट बी कितना है, जीरो। हाँ के ना, एंड पोटेंशियल एट ए कितना है, पोटेंशियल एट ए इलेक्ट्रो चल रही है पूरी, ध्यान दो तो ढंग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही तो है और क्या है, बस इसके बाद करंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके बाद करंट है और कुछ भी नहीं है। हाँ भी पोटेंशियल एट ए किसके कारण, पोटेंशियल एट ए किसके कारण आएगा, ड्यू टू आएगा आपके पास अंदर वाला, जीरो क्यों हुई बेटा, अर्थिंग कर दी ना, अर्थिंग कर रखा है ना लक्ष्य बेटा इसका आउटर पार्ट को, तो बी का तो पोटेंशियल जीरो हो गया ना, कंडक्टर तो किस पे रहता है, पूरा कंडक्टर इज ऑलवेज एट सेम पोटेंशियल, एंटायर कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल। चलो वी तो वी ए कितना हुआ आपके पास, हाँ वी तो वी ए की वैल्यू क्या हो रही है, वी ए की वैल्यू बनेगी आपके पास के क्यू बाई, ये रेडियस ए ले लो, ये रेडियस बी ले लो, तो बनेगी के क्यू बाई ए माइनस का के क्यू बाई बी। अरे आता ही नहीं आता, पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन, ड्यू टू शेल वन एंड ड्यू टू शेल टू, दिस इज व्हाट, पोटेंशियल ड्यू टू शेल वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल टू, ये तो करा है। ठीक है तो डेल्टा वी सी कितना बन गया, तो डेल्टा वी कितना बन गया, डेल्टा वी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास के क्यू इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी, और इसी को तो क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल
पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, किसी को तो क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये क्या बन गया पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर VC। तो जरा कैपेसिटेंस बताओ कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, जरा देखना तो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। स्क्रीनशॉट 5 स्क्रीनशॉट 6 ले लेंगे, और मैंने बोला भी अभी घर जाकर के अपनी पढ़ाई तो करनी ही है, मतलब हाँ अपना लिख करके रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट 6 ले लें जरा, हाँ भी कैपेसिटेंस कितना आ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी Q बाय वी, यानी कि Q बाय वी करा तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें लिख देते हैं कोई बात नहीं, बाद में पुट कर देंगे, तो Q बाय वी सी तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी अपॉन के इंटू बी माइनस के, और के होता है 1 बाय, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस के। सब इलेक्ट्रो की बेसिक बातों का इस्तेमाल है, नेक्स्ट क्लास से सर्किट चालू हो जाएगा, बस नेक्स्ट क्लास में सर्किट चालू हो जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान दो इसमें, ये देखो स्क्रीनशॉट 6 स्क्रीनशॉट्स लो, स्क्रीनशॉट 7 बेटा जीरो का हुआ, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी है ना, जीरो कहाँ हुआ, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैं तो पोटेंशियल लिख रहा हूं बेटा, ये तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रो के नोट्स खोल के कि पोटेंशियल ड्यू टू शेल 1 पोटेंशियल ड्यू टू शेल 2, पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है आउटसाइड क्या होता है सरफेस पर क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रो में नोट्स पढ़ के देखना पड़ेगा आपको। हाँ इस पर तो मैं फिलहाल ज्यादा लाइट डाल नहीं सकता, चलो ये देखो जरा। अच्छा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, सो कैपेसिटेंस कैन बी रिटन है, सो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, बेटा तो पोटेंशियल इलेक्ट्रो में नहीं सीखा क्या आपने लिखना कुमार, मैं तो इलेक्ट्रो में सिखाया है, चाहे जेपी 02 हो चाहे जेपी 01 हो या जेपी 02 PA1 हो PA2 हो, बस तो फिर खत्म बात, चलो उसे क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या पूछता है। अच्छा एक मिनट रुको, चलो है ना, एक मिनट देखो जरा, चाहो तो यूं भी तो कर सकते हो, अरे ई डॉट डी आर से कर लो भाई, ई निकाल लो, E बराबर कितना आएगा, E बराबर क्या आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं आएगा क्या, तो डेल्टा वी निकाल लो ना, फिर डेल्टा वी निकाल के देख लो बेटा, अब डेल्टा वी निकाल लो, चलो ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो ट्राई, क्यों कर सकते हैं ये ट्राई कर लो और कुछ नहीं तो ठीक है। चलो इसे क्वेश्चन क्या बनता है देखो जरा, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आता है आपके पास कि इफ बी इज इंक्रीज, इफ बी इंक्रीजेस, हाँ भी कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, इफ बी इंक्रीजेस कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, अगर बी को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आएगा, हाँ भाई देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व, ये देखो इसको यूं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, देखो
इसको लिखो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ना ये टर्म ये बन रही है अपॉन में 1 बाई ए माइनस 1 बाय बी। थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लो ना। अब देख लो जरा, अब देखो जरा बी को बढ़ाओ तो बी को बढ़ाओगे बी इंक्रीजेस, बी को बढ़ाओगे तो 1 बाय बी क्या होगा कम होगा, बी बढ़ेगा तो 1 बाय बी कम, 1 बाय बी अगर कम हुआ तो 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी क्या होगा, तो मेरी क्लास का एक और रूल है अपने नाम के साथ, नाम के साथ आओ, अपने नाम के साथ आया करो, अपने नाम के साथ आया करो। हाँ भाई बी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा जल्दी बताएं, तो बी बढ़ने पर 1 बाय बी क्या हुआ, 1 बाय बी छोटा हुआ, 1 बाय बी छोटा हुआ तो नीचे वाली टर्म क्या हो रही है बढ़ रही है, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है। अरे बी बड़ा तो बेटा 1 बाय बी क्या हुआ, 1 बाय बी छोटा हो गया ना भाई, 1 बाय बी छोटा हुआ तो नीचे की पूरी टर्म क्या हो गई इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं बोलूं एंड इफ बी टेंड्स टू इंफिनिटी, बी टेंड्स टू इंफिनिटी जरा देखो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि क्या बन गया ये एक आइसोलेटेड स्फेयर, याद करो आइसोलेटेड स्फेयर में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। अर्थ वाला एग्जाम्पल जिस पर चार्ज कितना है +Q। नोट इट स्क्रीनशॉट 8, स्क्रीनशॉट 8। ठीक है चलो भाई ओके क्लास बाय बाय। अरे बेटा रेसिप्रोकल का है यहां से देखना बेटा, बी बढ़ेगा तो 1 बाय बी कम होगा, 1 बाय बी कम होगा तो नीचे वाली पूरी टर्म क्या होगी इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस से अभी कोई नया काम नहीं है, पुराने काम को खत्म करो, अभी अगले 2 लेक्चर तक कोई काम नहीं मिलेगा, हाँ इसलिए अपने पढ़ते रहें बस। ओके क्लास बाय बाय।